कैंसर के केसेस में जो मैं आज आपको बातें शेयर कर रहा हूँ, मैं डैम श्योर बताता हूँ कि दीज आर द ऑथेंटिकल एंड नो डाउट मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो नॉर्मली प्रैक्टिस में होती है। कैंसर ठीक नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में ट्रैकआउट करिए, उसका एक्सीजन करवा दीजिए, टाटा मेमोरियल भेज दीजिए या फिर किसी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में डाल दीजिए, ठीक हो जाता है। लेकिन जहाँ ये स्टेज टू से आगे बढ़ता है वहाँ ये कभी ठीक नहीं होता है। उसको ऑक्सीजन कर लीजिए, रेडियोथेरेपी कर लीजिए, कीमोथेरेपी कर लीजिए, कुछ दिनों तक फॉलोअप में रखिए, वो ठीक बना होता है, लेकिन फिर दोबारा अगेन इट केम बैक। क्यों? क्योंकि कैंसर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न शुरू हो जाते हैं, और आफ्टर देन जहाँ 2 सेल्स बननी चाहिए वहाँ 10 बनने लगती हैं, 40 बनने लगती हैं, और उसमें एक्सप्लोसिव सेल डिवीज़न हो जाता है, दैट इज़ द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। जो बात आज मैं बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। एक अमीर आदमी जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो तो कैंसर का इलाज करवा लेगा, लेकिन उस बेचारे गरीब के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या वो गरीब आदमी बेचारा कैंसर का इलाज कैसे करवा पाएगा? क्या उसके पास लाखों रुपए हैं? क्या वो लाखों रुपए खर्च कर सकता है? वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की सेवा ले सकता है? इसी से रिलेटेड एक टेस्टिमनी अभी मैं आपके सामने देने वाला हूँ जो एक मरीज़ का है, और वो पिछले 2 सालों से हमारे कंसल्टेशन में है। After then, I'm just telling you medicine, but please try other self-medication. We have started carcinosin and followed by the chromium, because if you have to, there is a tumor in fact. And so just turn it, okay? So we started the treatment, and after that, there is a first formation which is inside the body, you see? Now, move on here. Okay, look at here. It is a soft palate. And here it is a cavity from which it is a draining, and a pus is draining inside. How is it going to be? And now the growth of that tumor reduces 80%, and the condition which you are watching is only the 20%. So that's why I am telling you that homeopathy is very effective. This is type of cases where the patient belongs to the lower economic group, and he have not enough sources for his treatment with respect to pneumonia and other things. ठीक कर सकते हैं, ठीक हो जाता है, कम्प्लीटली क्योरेटिव तो नहीं है लेकिन पैलेटिव मोड ऑफ द ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, और नो डाउट इनकी केयर कंडीशन पहले से ज़्यादा बेटर है। ओल्ड एजेस है, कितना दिन चलेगा आई डोंट नो, आई कैन नॉट टेल यू, बट एब्सोल्युटली इफ यू आर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंड द फॉलो अप इज गोइंग टू बी बेटर देन दिस केसेस कैन बी थैंक यू वेरी मच स्वीट डॉक्टर। दवा का नाम जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ गलती से ट्राई मत करिएगा, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन कैंसर को प्रमोट करता है इन द केस ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट। कार्सिनोसिन से मैंने इस केस के स्टार्टिंग की और कोनिया मैक्स से मैंने उसको फॉलो किया, ठीक है। नाउ अ डे वो केस जो पहले लेफ्ट साइड में बक्कल कैविटी में इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट था वो अब ऐसा हो गया है अंदर की तरफ से ओरल कैविटी में उसमें ड्रेनेज बन गया है जिसमें से पस बाहर निकलता रहता है। आई डोंट नो, उस आदमी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी स्कैनिंग करवा सके, बाकी सारी चीज़ें करवा। ओल्ड एजड आदमी है, गरीब है, तो क्या कोई ऐसा तरीका होता है जिस तरीके से इस तरह के मरीजों को हम कुछ ज़िंदगी दे सकें? मेरा ऐसा मानना है कि जितने बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो यदि हमारे जैसे चाहे कुछ अच्छे या फिर जो सो कॉल्ड हमसे भी अच्छे जो होम्योपैथिक डॉक्टर उनको थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें या फिर उनकी कुछ सर्विसेज ले लें तो नो डाउट हम लोग ऐसे कैंसर के केसेस में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ओनली मी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्सक्लूसिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न को यदि वास्तव में आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो होम्योपैथी इज़ अ इम्पॉर्टेंट, और होम्योपैथिक मेडिसिन आर द इम्पॉर्टेंट मीन्स बाई विच कैन यू कैन जस्ट रेगुलेट दैट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है आज के 5 साल बाद मैं इस कंडीशन में आ जाऊँ कि कैंसर के केसेस पे अच्छा इम्पैक्ट मैं दे सकूँ। बहुत कॉस्टली दवाइयाँ हैं, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। एक मरीज़ का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 50 लाख
70 लाख 1 करोड़ लगाने के बावजूद भी लोग नहीं बचा पाते हैं, और छोटे मोटे हॉस्पिटल में तो जल्दी कैंसर के केसेस लिए नहीं जाते हैं। इस मरीज़ की टेस्टिमनी को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कैंसर के केसेज में कितनी इफ़ेक्टिव हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, सारे केसेज में नहीं होता ऐसा। कई केसेज में हमें SSUP सिम्टम्स मिल जाते हैं, कई केसेज में जो मेडिसिन का रिस्पॉन्स होता है पेशेंट्स के लिए वो काफ़ी इंटरेक्टिव होता है और अच्छा होता है। मरीज़ को हमने दवा तो दे दी, लेकिन हम तो सेकेंडरी एक्शन के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तो सेकेंडरी एक्शन वो मरीज़ की वाइटैलिटी कितना हमें इम्प्रूव रिस्पॉन्स देगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये अच्छा रिस्पॉन्स देती है देन केसेस क्योरेबल और बेस्ट पैलिएटिव, अदरवाइज वो डिग्रेड तो करेगा ही करेगा। होम्योपैथी को एज ए इंटीग्रेटेड मेडिसिन इंक्लूड करने की मैं बाकी लोगों से अपील करता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से अपील करता हूँ, यदि वो अच्छे होम्योपैथिक की सर्विस लें तो नो डाउट हम कैंसर वाले मरीजों को बेटर सर्विस दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी।